मां बंगला मुखी धाम गुलमोहर सिटी नजदीक लम्मा पॉइंट चौक जालंधर में मां बंगला मुखी जगह निमित्त श्रृंखलाबद्ध साप्ताहिक दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम ब्रह्मणु द्वारा मुख्य यजमान से पंचोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन, नवग्रह पूजन उपरांत हवन यज्ञ में आहुतियाँ डलवाई गई। तो वहीं सिद्ध मां बंगला मुखी धाम के प्रेरक प्रवक्ता नवजीत भारद्वाज ने दिव्य हवन यज्ञ पर उपस्थित प्रभु भक्तों को मनुष्य के जीवन में माता पिता और अध्यात्म के महत्व को समझाते हुए कहा कि माता पिता का सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा से मुख नहीं मोड़ना चाहिए। जीवन में माता पिता और गुरु का स्थान सबसे ऊंचा होता है। वहीं उन्होंने कहा कि उन्नति का रास्ता अध्यात्म से होकर जाता है, इसलिए तरक्की के लिए अध्यात्म जरूरी है। इस अवसर पर पूनम प्रभाकर, सरोज वाला, गुरुवीर राकेश प्रभाकर, समीर कपूर, अमरिंद्र कुमार शर्मा, बाबा हलचल, गुरप्रीत सिंह, वीरेंद्र सिंह, बलदेव सिंह सहित भारी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। वहीं हवन यज्ञ उपरांत विशाल लंगर मंडारी का आयोजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। बोल साचे दरबार की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां बगला मुखी जी दी कृपा दे नाल, असीम कृपा दे नाल अज मां बगला मुखी धाम गुलमोहर सिटी नजदीक लम्मा पिंड चौंक जलंधर महामाई के निमित्त जिहड़ा दिव्य हवन यज्ञ सप्ताहिक हुंदा उह संपन्न होया, और बड़ी भारी बरसात दे विच वी श्रद्धालुआं दा जिहड़ा संख्या और श्रद्धालुआं दी जिहड़ी श्रद्धा है उह ठाठा मारदी सी, और महामाई दे हवन यज्ञ दे विच बहुत सारी संगत ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। साडी महामाई दे चरणां च यही बारंबार अरदास बेनती है, हे जगदंबा अपने बच्चों के उत्ते मेहर भरिया हथ रखो, शरीरक निरोगता दियो, घर परिवार सुख शांति दियो। और इस दे नाल नाल मैं दसना चाहना कि हर वीरवार सवेरे 6:30 to 7:30 निःशुल्क हवन यज्ञ का आयोजन किया जाता है। कोई भी मां भगत आके महामाई के दरबार से अपनी हाजिरी लगवा सकता, हवन यज्ञ आहुति डाल सकता। बगला मुखी माता जी का बोल साचे।